सारे दर्शकों राम राम मनजीत कोथ है। साथ ही विधानसभा चुनाव हुए आप सारे ने बेरा अपना वोट भी डाला हुआ, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करा भीतरघाती बहुत से हमलों की बात आवा है कि इस तरह हरा दिया और कुछ नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। जयप्रकाश जेपी हिसार से सांसद है और उनके भाई धीरा की एक कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कॉल है वो रिकॉर्ड करी गई है और भीतरघाती हमले यानी अगर हम कहा तो उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के वोट डलवाए हैं और बरवाड़ा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उसको हराने खातर प्रयत्न किया है। तो और भी है वो रिकॉर्डिंग एक बार आपने सुनावांगे कि रिकॉर्डिंग का क्या तात्पर्य लगा है, किसने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग है ये जो जयप्रकाश के भाई जेपी के भाई धीरा की रिकॉर्डिंग में बताई गई है, धीरा की आवाज है लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। व्हाट्सएप कॉल है, व्हाट्सएप कॉल को दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया गया है लेकिन संजना सातरोड के पक्ष में वोट डालने की अपील करी जा रही है, वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। जो राम निवास गुडेला कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो हारे हैं, जो गंगवा है वो बरवाड़ा से जीते थे, अच्छे खासे वोटों से जीते हैं लेकिन व्हाट्सएप कॉल के जरिए क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है। हेलो, हाँ जी विधायक जी, हाँ बताओ फिर क्या करा है। घर वाली के समझ गया मैं, वो तो कोई नहीं ठीक है, पर भारी तो ये है ना, गोडला भारी है, हैं सवाल ही पैदा नहीं है के बरा सारा नहीं हो रही है, जीतेगा ना जीता ये बरा भी कोई तीसरा नंबर हैं, तीसरा नंबर तो समझना भारी है। तारा सात रोड में तो गोडला जीतेगा प्रधान जी, गोडला जीतेगा सात रोड में तो कौन है कांग्रेस वाला जीतेगा सात रोड में तो कांग्रेस वाला सात रोड में कैसे जीतेगा भाई, केव रहे इन्हें सरपंच सुरपंच सारे लाग रहे हैं उसके अगले उनसा सरपंच लाग रहा है नरेश सरपंच जो पहले सरपंच होया करता 35% तो है तारा सात रोड खुर्द में बताऊं मैं, हाँ खुर्द में 35% तो गंगूएगी, हाँ 3000% है इसकी संजना की, अच्छा और 5-7% को देखो अच्छा 5-7 मैं कला की बात करूं, कला में तो गंगवा जी तक लग रहा कलवा कला ना कला में सुनने में तो यही आई है कि उसकी ज्यादा पर्ची है, सुनने में कि गंगवा 2000 वोटा जीते है, अच्छा नीयत को नहीं कद दोनों पास उलझ रहा सौदा है, ऐसा सुन ले बात है, हाँ सुनाओ इस्तेमाल चलो बतलावा फिर करा सलो उड़ा था मैंने बता रहा देख लिया गए, ठीक बात है बात तो आपकी जायज है फिर इलाज तो कोनी 10,000 गए हुए पूरे रोज अलग अलग है, ठीक बात है फिर उसने देख लिया तारा भविष्य है, बात तो आपकी ठीक है राजनीति है चलो बतलावा हाँ जे इसका और दूसरी बात हाँ 110% तो बनता है कोनी, हाँ हर पीछे रोटी में झटके दिखाई दी उन्होंने यह बात भी सही है बात तो ठीक है पर नहीं है चल जाने जा मने बाद में तो को नाटक तो कौन है करा जानना कौन नाटक वाले पर नहीं है अपना तो ज्यादा फर्क है हैं पाछे कितने कर दिया ना चलो पाछे का तो बेड़ा को नहीं इतना
पाछा बाद इतना बेड़ा को नहीं बाकी न्यू है। बात तो आपकी जायज है, मैंने समझ में आई है बात तो। बात तो आपकी ठीक है। मेरी रानिया ड्यूटी थी, घोड़ा वाली काम है रानिया में के। दस सोरे तो घोड़ देना उड़े के ला रखे रुपये लेके। अच्छा अरे दलीप सिंह घोड़ा का इसका एजेंट है। चलो कोई नहीं, बतलाओ फिर करा संजना का जुगाड़ की में। संजना का कर दो जुगाड़ लेके वहाँ कहत कलाए तो मैं तो ठीक होगा अपने विकास का पूरा तो क्लियर है। चलो अच्छी बात है, पूरे थोड़ा तक होने 30-40 हजार से जीत। चलो अच्छी बात है, ठीक है विधायक। संजना का कर दो जुगाड़ लेके, ठीक है विधायक जी करा कोशिश। हाँ नुकसान खा लोगे क्यों चक्कर बढ़ाओ, एक और जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जुगाड़ लेके, ठीक है विधायक जी करा कोशिश। हाँ नुकसान खा लोगे क्यों चक्कर बढ़ाओ, एक और जहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विधायक। देखिए अगर ये आपने रिकॉर्डिंग सुन ले, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो बलवान सिंह दौलतपुरी है फतेहबाद से जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जो भी त्रिघाती यानी कुछ लोग है जो भी त्रिघाती खतरनाक साबित हुए हैं, उन्होंने भी त्रिघाती पार्टी में हमला किया है, तो मैं कम से कम 20-22 हजार प्लस वोटों से जीत रहा, लेकिन 2200 कुछ वोटों से जीत पाया, क्योंकि टक्कर चली आपस में, टक्कर चली है, टक्कर होने के कारण लगभग 2200 के वोट उनको एक्स्ट्रा मिले हैं, जो 2200 वोटों के आसपास से उनकी जीत हुई है। और जो कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार हाईकमान है, हाईकमान ने भी हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर उदयवान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी क्लास लेने की कोशिश करी गई। और भी जो टिकट बांटने में थे, जो दीपक बावरिया की अगर बात करा, उनकी भी जो हाईकमान ने क्लास ली है, तो लगातार कुछ ईवीएम पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, कुछ गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे थे। सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस की फूट ही आपस में कांग्रेस को ले बैठी है। और ये जो रिकॉर्डिंग है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आपने जरूर देनी है।